हेलो एवरीबॉडी, हमारे सामने आप देख सकते हो ऑल न्यू हेक्टर प्लस। और सबसे खास बात यह है कि इसका ये वाला 100 ईयर लिमिटेड एडिशन है। तो लिमिटेड एडिशन के साथ ये वाला जो मिलिट्री ग्रीन पेंट आप देख रहे हो, ये पेंट तो आपको मिलता ही है, प्लस कुछ और स्टाइलिंग एलिमेंट्स और फीचर्स भी आपको इस कार में एक्स्ट्रा दिया गया है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि हेक्टर प्लस एवरग्रीन एडिशन में आपको एक्जैक्टली क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इनका जो शार्प प्रो वेरिएंट है हेक्टर प्लस का, उसी पे ये वाला जो एडिशन है ये बेस्ड है। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं फ्रंट लुक से। फ्रंट लुक आप कार की देख सकते हो, रेगुलर जो हेक्टर है कहीं ना कहीं मिलती जुलती है, बट यहाँ पे जो डार्क क्रोम है वो आपको दिया गया है। ग्रिल में MG का लोगो भी डार्क क्रोम में ही फिनिश्ड है। यहाँ पे बात करें तो जो LED DRLs है उसका प्लेसमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, और नीचे यहाँ पे आपको LED में ही दिया गया है जो हेडलैम्प, जिनकी थ्रो रात में काफ़ी बड़ी आपको मिलने वाली है। यहाँ पे बात करें तो फॉग लैम्प्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं LED में, बट ये रिफ्लेक्टर बेस्ड है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको एक रेडार का प्लेसमेंट लग रहा होगा, बट ये रेडार नहीं है, वो सिर्फ आपको सैवी वेरियंट में मिलता है। इस वाले में आपको ADAS देखने को नहीं मिलता, जो लेवल 2 वाला है। यहाँ पे फ्रंट पार्किंग कैमरा भी आप देख सकते हो, ग्रिल में कितनी ब्यूटीफुल तरीके से ये इंटीग्रेटेड है। और ये स्किड प्लेट का डिज़ाइन है, ये भी बिल्कुल ग्लॉस ब्लैक में ही आपको फिनिश दिया गया है। यहाँ पे बड़े तो जो वाइपर्स है वो आपको प्रीमियम एरोट्विन वाले यहाँ पे दिया गया है, और वहाँ पे एक रेन सेंसर भी आप देख सकते हो। नीचे बात करें तो यहाँ पे जो अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में दिया गया है। जो ब्रेक कैलिपर है वो आपको रेड कलर में मिलता है। और जो टायर प्रोफाइल है उसकी बात करें तो 215/55 R18, मतलब 18 इंची का जो सेक्शन है वो आपको टायर में यहाँ पे मिलता है। अगेन ए पिलर ऑल ग्लॉस ब्लैक में फिनिश्ड है, ORVM भी ग्लॉस ब्लैक में फिनिश्ड है। और ये जो स्पार्कली इफेक्ट आप देख रहे हो, ये दर्शाता है कि इनकी पेंट क्वालिटी कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। यहाँ पे अगेन टर्न इंडिकेटर्स यहीं पे माउंटेड है, और जो 360 का फंक्शन है, जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, वो भी आपको यहाँ पे कैमरा दिया गया है। जो कार की बेल्ट लाइन है यहाँ से लेके वहाँ तक जाती है, और रूफ रेल भी आप देख सकते हो फंक्शनल वाले ही आपको यहाँ पे मिलता है। और जो बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ है उसका भी प्लेसमेंट देख सकते हो, एंड शार्क फिन एंटीना जो है वो भी आपको ग्लॉस ब्लैक भी यहाँ पे मिलता है। डोर हैंडल्स पे ही आपको हल्का सा क्रोम का एक इंसर्ट भी मिलता है, और रिक्वेस्ट सेंसर भी यहीं पे इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे भी जो क्रोम का इंसर्ट है वो आप देख सकते हो। पीछे बात करें तो अगेन डिस्क ब्रेक आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है, वही स्पोर्टी रेड ब्रेक कैलिपर के साथ। कार का जो फ्यूल फिलर कैप है वो आपको बॉडी के राइट साइड पे यहाँ पे प्रोवाइडेड है, और थोड़ा सा स्पॉइलर का फील आपको यहाँ पे ज़रूर दिखाया गया है। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प है, रियर डिफॉगर है, वाइपर है। इसकी क्वालिटी बेशक आपको नॉर्मल ही मिलती है, और MG का लोगो है। इस एंगल से आप इसका रियर लुक खुद देखो भाई साहब। ये जो LED में टेल लैम्प्स है ना कनेक्टेड वाले, बेहद ही प्रीमियम लगते हैं, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। कैमरा यहाँ पे है, प्रीमियम वाइट कलर में जो नंबर प्लेट की लाइट्स है वो दिया गया है। हेक्टर प्लस की बैजिंग भी आपको डार्क क्रोम में ही मिलता है, एंड अगेन पार्किंग सेंसर्स भी पीछे आपको 4 दिया गया है। यहाँ पे भी जो डार्क क्रोम का फिनिश है वो आप नीचे देख सकते हो। और बूट की बात करें तो देख सकते हो इसमें आपको मिल जाता है इलेक्ट्रिक टेल गेट, एक स्विच मैंने दबा दिया और अपने आप खुल जाती है इसकी बूट। देखो अगर इसका जो थर्ड डोर है इसको आप ऊपर कर देते हो तब आपको इतना स्पेस मिलेगा, इसको अगर आप लेटा देते हो तब आपको इसमें इतना सारा स्पेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगेन जो टूल किट एंड ऑल है वो आपको दिया गया है। जो बूट लैंप है वो भी आपको प्रीमियम वाइट LED में ही मिलता है। तो दबा लेते हैं इस बटन को और देखो इस प्रकार हो जाएगी ये बंद। तो चलिए चलते हैं अंदर और देख लेते हैं कि 100 ईयर एनिवर्सरी एडिशन के इंटीरियर में आपको एग्जैक्टली क्या फीचर्स मिलते हैं। बात करें तो ऐसे कुछ आपको यहाँ पे डोर ट्रिम मिल जाती है, यहाँ पे इन्फिनिटी का ट्विटर है, स्पीकर भी यहाँ पे है, बॉटल होल्डर भी यहाँ पे बड़ा सा आपको एक दिया गया है। यहाँ पे बात करें तो ये वाला जो एलिमेंट है ये आपको सॉफ्ट टच लेदर राइट फील में दिया गया है, ये भी सॉफ्ट टच है, बट बाकी ये वाले एलिमेंट सारे हार्ड प्लास्टिक्स है। ड्राइवर साइड विंडो 1 टच अप एंड डाउन है, और ये भी थोड़ा सा वैसे प्लास्टिक ही है बट हल्का सा ग्रेज का फिनिश आपको मिलता है। MG का जो स्कफ प्लेट है, वेलकम प्लेट जिसको हम कहते हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिलता है। बोनेट खोलने का लिवर और फ्यूल लिड खोलने का लिवर दोनों आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है। जो ड्राइवर सीट है उसका इलेक्ट्रिक फंक्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और एक और चीज़ देखो, सीट पे आपको MG 100 ईयर एडिशन का अलग से एक बैज भी मिल जाएगा, जो कि अटेंशन टू डिटेल इसका काफ़ी अच्छी तरीके से दर्शाता है। सीट्स वैसे आपको ब्लैक कलर में ही मिलेगा। यहाँ पे ORVM को एडजस्ट और फोल्ड करने के बटन है, यहाँ पे हेडलाइट लेवलर है, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो ब्राइटनेस एंड ऑल है उसको एडजस्ट करने का बटन यहाँ पे है, और बूट खोलने का बटन यहाँ पे आपको दिया गया है।
तो चलिए बैठ जाते हैं अंदर, और अंदर का जो लेआउट है वो ज़रा चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हो अंदर का लेआउट भाई, बहुत प्रीमियम ये कार लगती है। इस एंगल से आप खुद देखो, ये जो सेंट्रल कंसोल है, फिर एक सेकंड जो डिस्प्ले विस्प्ले है, ये ही मैं आपको ऑन करके ज़रा दिखा देता हूँ, तब और आपको बेटर समझ में आएगा। स्टार्ट स्टॉप का बटन वैसे यहाँ आपको मिलता है। डिस्प्ले आप वैसे खुद देखो, देखा इसने आपको वैसे वॉइस कमांड टाइप भी दे दिया है। यहाँ पे बात करें तो ऑडियो के सारे कंट्रोल्स आपको राइट साइड पे मिलते हैं, और जो क्रूज कंट्रोल है वो आपको यहाँ मिलता है। यहाँ पे देख सकते हो इस बटन के थ्रू आप इससे ब्राउज कर सकते हो, नेविगेशन, फिर फोन एंड बाकी जो तरह तरह की इंफॉर्मेशन है सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी काफ़ी सही आपको यहाँ पे स्क्रीन मिल जाता है, डिस्प्ले विस्प्ले भी इसकी काफ़ी सही है, फीचर्स भी ज़रूरतमंद आपको सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। बट मेन जो खेल है वो है यहाँ पे भाई साहब, प्रीमियम और बड़ा एक आपको यहाँ पे टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत जच रही है इस कार के साथ। और एक और अटेंशन टू डिटेल मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये एनिवर्सरी एडिशन है ग्रीन कलर का, तो इसका जो यूआई और इंटरफेस है वो भी इन्होंने ग्रीन कर दिया है। और यहाँ पे नज़र डालो, यहाँ पे भी MG 100 का बैजिंग इन्होंने डाल दिया भाई साहब। ये अटेंशन टू डिटेल मेरे को काफ़ी ज़बरदस्त इनकी तरफ से लगी। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली यहाँ पे काम करता है, जियो सावन भी आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री देखने को मिल जाता है, और AC के जो कंट्रोल्स है वो भी आपको टच बेस्ड यहाँ पे ही मिल जाते हैं। देख सकते हो हल्का सा वैसे इसमें लैग तो है, मैंने दबाया उसके कितने टाइम बाद ही आ रही है। तो प्रैक्टिकलिटी के मामले में थोड़ी सी डाउन है, क्योंकि फिजिकल बटन्स आर ऑलवेज द बेस्ट फॉर AC कंट्रोल्स, बट प्रीमियम तो लग रही है, खुद यहाँ पे आप देख सकते हो। फैन स्पीड को ज़रा यहाँ पे ऐसे घटा देते हैं, ठीक है। और ऊपर भी आपको यहाँ पे हल्का सा सॉफ्ट टच का फील दिया गया है। यहाँ पे भी देख सकते हो 6 एयरबैग्स इस कार में आपको मिलते हैं, ग्लव बॉक्स डिसेंट साइज्ड है, ओके। और यहाँ पे बात करें तो CVT गियर बॉक्स के साथ आपको ये मिल जाता है। गियर की जो फिनिशिंग है ये भी काफ़ी प्रीमियम आपको लग रही है, इस एंगल से सेंट्रल कंसोल आप खुद देख सकते हो। यहाँ पे इको मोड भी आपको एक यहाँ पे मिलता है। फिर वेंटिलेटेड सीट का बटन यहाँ पे दिया गया, मैक्सिमम AC को चलाने के लिए हैजार्ड लैंप है, ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आपको मिलता है ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ, फ्रंट पार्किंग सेंसर का जो बटन है वो यहाँ पे मिलता है, और रियर का जो AC है थर्ड रो का उसके बटन्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो फैन का स्पीड है। यहाँ पे जो कप होल्डर्स है आपको ब्यूटीफुल इंटीग्रेटेड यहाँ पे मिलता है ये स्लाइडेबल वाला फीचर के साथ। और चाबी मैं आपको दिखा दूँ, चाबी की बात करें तो ऐसी आपको मिल जाती है, यहाँ पे MG का लोगो है, यहाँ पे लॉक है, सॉरी ये लॉक है, अनलॉक है, और बूट खोलने का फंक्शन आपको यहाँ पे मिलता है। आमरे सॉफ्ट टच लेदराइट में है, स्लाइडेबल भी है, और स्टोरेज स्पेस भी इसमें डिसेंट आपको मिलता है, और इसमें एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी आपको मिलता है, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो ऑटो डिमिंग IRVM है, एंड जो केबिन लाइट्स है वो भी आपको प्रीमियम व्हाइट में मिलता है, सनग्लास होल्डर यहाँ पे है इंसुलेशन के साथ, और जो मैसिव पैनोरामिक सनरूफ है इसका भी व्यू आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे एक मिरर है विद अ लाइट, इस साइड बात करें तो इस साइड आपको मिल जाता है एक और मिरर विद अ लाइट विच इज़ फैंटेस्टिक। ऑटोमेटिक वाइपर्स है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है, स्टेयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट देख लेते हैं, एडजस्टमेंट टिल्ट है, और टेलीस्कोपिक यहाँ पे सरप्राइजिंगली नहीं है, टेलीस्कोपिक मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इसमें होगा। जो भी हो, जो सीट्स है कार की मेरे को बेहद कंफर्टेबल लगी, थाई सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो एक्सटेंशन है ये भी हल्का सा आपको दिया गया है, ठीक है। तो फटाफट एक बार चलते हैं पीछे, देख लेते हैं कि पीछे आपको स्पेस और अम्यूनिटीज़ के तौर पर क्या मिलता है। बट पीछे जाने से पहले एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, इस कार में आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी यहाँ पे मिलता है, आप देख सकते हो जो कलर्स यहाँ पे क्या क्या आपको मिलता है क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि रात में बहुत एक प्रीमियम फील आपको 100% देने वाली है, ठीक है। तो अब चलते हैं फटाफट पीछे और चेक कर लेते हैं कि पीछे का माहौल आपको इस कार में कैसा मिलता है। तो चलिए भाई ये खोल देते हैं इसका डोर, डोर ओपनिंग देख लेते हैं, डोर ओपनिंग वैसे काफी इसकी सही है। और एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे अगेन ट्विटर है, यहाँ पे स्पीकर है, बॉटल होल्डर है, पावर विंडो का स्विच है, और सॉफ्ट टच जो एलिमेंट है वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ये वाला जो सीट है यहाँ पे देख सकते हो कोई 100 ईयर एनिवर्सरी एडिशन की बैजिंग नहीं है, बट अगेन लेता है सीट्स है। इस पे जरा बैठते हैं एक बार और देख लेते हैं कि ऐसा कंफर्ट अपने को यहाँ पे मिलता है। देख सकते हो स्पेस मेरे को अच्छा खासा यहाँ पे मिल रहा है, काफ़ी डिसेंट है, नी रूम अच्छा है, लेग रूम भी काफ़ी सफिशियंट मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, ऑलमोस्ट 6 फीट मेरी लगभग हाइट है। यहाँ पे मैगजीन होल्डर है, यहाँ पे भी है, 2 AC वेंट्स हैं, और यहाँ पे नीचे आपको एक टाइप ए सॉकेट मिलता है। सबसे ज़बरदस्त बात है कि जो बीच का हम्प है ना बिल्कुल ही फ्लैट है, मतलब 1% का भी यहाँ पे हम्प नहीं है।
अगेन यहाँ पे केबिन लैंप्स हैं, हैंडल है विथ हुक, और हेडरूम की बात करें तो हेडरूम देख सकते हो, हेडरूम यहाँ पे मेरे को काफ़ी बढ़िया मिल रहा है, कोई शिकायत की यहाँ पे बात नहीं है। तीन प्रॉपर एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, यहाँ पे आर्मरेस्ट है विथ ट्विन कप होल्डर्स, और ये जो सीट है इसको आप रिक्लाइन भी कर सकते हो दोनों एंगल्स में, यहाँ पे रिक्लाइन एंगल आप खुद देख सकते हो। वैसे थर्ड रो पे मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि जाने का फायदा नहीं है, मेरे हाइट के लोग यहाँ पे नहीं बैठ सकते, आप खुद देख सकते हो। यहाँ पे वैसे एसी वेंट आपको दिया गया दोनों तरफ, ब्लोअर के कंट्रोल्स यहाँ पे हैं, और एक आपको मिल जाता है चार्जिंग सॉकेट वहाँ पे, दो कप होल्डर्स हैं। बट स्पेस की बात करें तो पीछे लंबे पैसेंजर्स बिल्कुल ही नहीं बैठ सकते, आप खुद यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो स्पेस का। तो बेस्ट सूटेड फॉर चिल्ड्रन डेफिनेटली, और दोबारा जाते जाते सनरूफ का जो व्यू है वो भी मैं आपको इस एंगल से दिखा देता हूँ, लग रही है ना जबरदस्त प्रीमियम। तो अंडर द हुड मैं आपको दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे क्या मिलता है। फिलहाल अपने पास जो कार है ये पेट्रोल इंजन के साथ आता है, 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है जो कि पावर निकाल कर दे देता है अराउंड 142 PS, और टॉर्क आउटपुट इसका है 250 न्यूटन मीटर्स। तो इस साइज के हिसाब से परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, एक्सट्रीम लेवल का आपको नहीं मिलेगा बट काम आपका चल जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे प्रॉपर इंसुलेशन भी आपको एक प्रोवाइडेड है, और बॉनेट की वेट वैसे काफ़ी हैवी मेरे को इसमें लगी। तो मेन जो चीज़ बाकी रह जाती है वो है कार की प्राइस। तो अपने पास जो हेक्टर 100 ईयर लिमिटेड एडिशन है अपना टर्बो पेट्रोल CVT के साथ, इसकी एक शोरूम कीमत है 22,14,000 rupees। तो ऑन रोड कहीं ना कहीं 25 लाख तक आपको पड़ जाएगा, वैसे स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है कितना पड़ेगा, बट मैं एक एवरेज फिगर आपको बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इस प्राइस पॉइंट पे ये जो लुक आपको मिल रहा है, इस साइज़ की कार मिल रही है, और जो लग्जरी स्पेस और फीचर्स मिल रहा है, आई थिंक अगर आप मार्केट में एक 7 सीटर का ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो ये कार आपकी लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। तो आप लोग बताइए हेक्टर प्लस को लेके आपके क्या विचार हैं, स्पेशली ये जो एडिशन है और ये जो कलर है ये आपको कैसी लगी ये भी मेरे को कमेंट में बता देना। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो, और इतना तक अगर आपने वीडियो देख लिया है देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।